आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक, BTS न्यूज एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। आज कांग्रेस का डेलीगेशन मेदक आया है, जो हमारे को रेवंत रेड्डी साहब ने भेजा है यहाँ पे, शबीर अली साहब ने भेजा, और मरहूम जो पुलिस के टॉर्चर से 16 फरवरी को इंतकाल फरमा गए मोहम्मद खदीर, उनके घर पे आए हम, उनकी अहलिया से मिले, रेवंत रेड्डी साहब को उनकी अहलिया से बात कराए। रेवंत रेड्डी साहब ने तहखून दिया कि DG से बात करें, DG से बात कर जो सज़ा होगी वो सज़ा उसको दिलाएंगे, जो ऑफिसर्स इसमें मुलज़िम हैं उनको अंडर ट्रायल कराएंगे, उनके ऊपर 302 किडनैपिंग के केसेस बुक कराएंगे, और सिर्फ सस्पेंड नहीं, सिर्फ बरतरफ से कुछ नहीं होता, इनको चार्जशीट 3 महीने में फाइल कराकर इनको अंडर ट्रायल कराना चाहिए, इनको सजा देना चाहिए। एक मासूम जो 4 ग्राम की चैन के केस में, झूठे केस में जिसको पकड़ा गया, इतना टॉर्चर करा गया कि 3rd degree, जिसके मार मार के गुर्दों में गुर्दे फेल कर दिए, यूरिन में ब्लड आ गया, जिसके मल्टी फ्रैक्चर्स हो गए, और वो बेचारा दवाखाने में अपना दम तोड़ दिया और वीडियो बना के बोला मेरे को उल्टा लटका कर मारे, 2 दिन उल्टा लटका कर मारे, वो पुलिस वालों को भी वैसी सजा मिलना चाहिए। और महमूद अली साहब जो फ्रेंडली पुलिस बोलते हैं, आप इसको 3rd degree नहीं बोलते, अगर यही आपके कोई अहले खानदान के साथ होता तो आप इसको 3rd degree नहीं बोलते थे। इंसानियत पे बात करिए, इंसाफ दिलाइए, हक के लिए आगे आइए। तमाम TRS के लीडरों को बोल रहा हूं मैं, यहां पे हर वक्त जिस दिन से कदीर को अरेस्ट करे थे मरहूम को, उस दिन से आप बालाकृष्णा साहब यहाँ पे मौजूद थे, रियाज साहब, अफजल साहब, हाफिज साहब, हर वक्त जिस दिन से अरेस्ट करे बराबर आप पुलिस स्टेशनों को गए, हैदराबाद गए, दवाखानों में रिन्यू हॉस्पिटल में पहुंचाए, जो मदद हो सकती माशी मदद, ये लोग की माशी हालत खराब है, आपने मदद करा, कभी स्क्रीन पे नहीं आए। मैं आज इनको स्क्रीन पे लेके आके ये बोला साहब वक्त की नजाकत है, आप स्क्रीन पे आना, अगर आप स्क्रीन पे आएंगे तो लोगों को मालूम होगा कि मैडम बालाकृष्णा साहब, अफजल साहब, रियाज साहब, हाफिज साहब, आप लोग ने क्या मदद की। ये लोग बगैर मजहब व मिल्लत के इंसानियत के लिए आके काम करे। आज कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पे आई तो इंसानियत के बुनियाद पे आई, और हम डिमांड करते हैं तमाम TRS के लीडरों से, इंसानियत को आगे बढ़ाओ, इंसानियत के साथ काम करो। ये जो नाइंसाफी हो रही है, के चंद्रशेखर राव को कोई चीज दिखती नहीं है, नॉलेज में नहीं रहती है, इतना बड़ा हादसा हो गया, एक घर बर्बाद हो गया, ये 3 मासूम बच्चे हैं, ये बच्चा भी उनका ही बच्चा है जो उन्हें अडॉप्ट कर लेके पाल रहा था, तो कितना अच्छा आदमी था होगा, 3 बच्चों को अडॉप्ट कर लेके पाल रहा था। नहीं, बिल्कुल आपको जो हेल्प होती करेंगे अम्मा, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, हम उसके लिए चाहे आपको बिल्कुल मदद करेंगे, ठीक है ना अम्मा, थैंक यू। अच्छा, उनके खदीर साहब के वाला वालिद वाला, अच्छा एक भाई एक बहन है, अम्मा बाबा तो नहीं है शायद, नहीं है, अच्छा अच्छा नहीं, बिल्कुल आपको हक दिलाएंगे अम्मा, बिल्कुल दिलाएंगे, फिर एक बार हम लोग आते, साहब भी आते, साहब के साथ भी आते, आपके कांटेक्ट में है ना रेगुलर, कोई भी चीज रही तो आप बराबर बोलिए, साहब भी आते, बिल्कुल मैं करा के देता हूँ, जरा देता हूँ, मेरे को डिटेल दे दो भाई, जरा कर लो, है ना, है ना, बस खत्म, मैं हजोस को बोल के मैं करा के देता हूँ आपको, आपकी डेट क्या है, अच्छा मोहम्मद खदीर, नहीं नहीं मैरिज सर्टिफिकेट निकल जाता अम्मा, काजी का निकाह तो हुआ ना, हुआ एंट्री है ना पूरा, हाँ मैं निकल जाता, निकल जाता अम्मा, निकाल के दे देंगे, आपके बच्चों को भी नहीं देखते थे ना, सिद्धेश्वरी बोले ना माता का नाम, तो या सिद्धेश्वरी अलेश सिद्धेश्वरी है, कुछ भी रहो इंसानियत मेन चीज है, इसी के साथ देखो भाई फ्रेंडली पुलिस बोल रहे आप,
कोई बड़ा हादसा हो गया तो केसीआर को नहीं मालूम होता, छोटा हादसा हो गया तो नहीं मालूम होता। एक आदमी की जान चले गई बोलते पूरा खानदान डिस्टर्ब हो जाता। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अम्मा सस्पेंड इज नथिंग, सस्पेंड करे उनका चार्जशीट नहीं डलाए तो उनको फिर कहीं भी नौकरी मिल जाती। अंडर ट्रायल होना, उनको अरेस्ट होना, 302 उनके ऊपर बुक होना, ये तमाम चीजों के लिए हम भी डिमांड करेंगे अम्मा, बिल्कुल जगह जगह पे हर जगह पे प्रोटेस्ट करेंगे। साहब डीजी से भी बात करें, आपको भी हम बराबर लगे हुए रहेंगे, अन्ना भी लगे हुए रहेंगे, और आपके पास आप उनसे फर्स्ट डे से रह रहे अन्ना आपका हर वक्त रह रहना। जिस दिन से अरेस्ट करे उस दिन से बालकृष्ण साहब, अफजल भाई, हमारे रियाज भाई, हमारे हाफिज हाफिज मोल साहब, ये तमाम लोग हर वक्त साथ रहे। आप कांग्रेस पार्टी आपके साथ है ना अम्मा? जिस दिन से अरेस्ट करे कांग्रेस पार्टी के साथ, जिस दिन से अरेस्ट करे उस दिन से आपके साथ है इंशाल्लाह। ठीक है ना अम्मा, मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, सही स्टेटमेंट नहीं है वो, मैं अभी भी बाद में बात करेंगे, आपका काम कर लो, बाद में बात करेंगे। ठीक है ना अम्मा, फिर हम आपने आते आपके साथ बराबर, साहब बराबर आते रहते, बराबर आएंगे। आपको भी कलेक्टर ऑफिस भी हम लेके जाएंगे, अब कलेक्टर ऑफिस को हम यहाँ से जा रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस को भी पूरा रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आपके साथ पूरी इंसानियत है, शबीर अली साहब भी आपसे फोन पे बात करेंगे, अभी कराता हूँ, अभी वहाँ थे, अभी थोड़ी देर में आपको उनसे भी बात करा देता हूँ। हमारे यहाँ के महेश गौड़ साहब इंचार्ज है, वर्किंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी सबकी हमदर्दी आपके साथ है, सब जने आपके साथ खड़ेंगे, हर कोई एक प्लेटफॉर्म पे आके कांग्रेस की तरफ से आपको जो मदद होती बराबर करेंगे, फिर आपके पास आएंगे। ऐसा नहीं है आ गए आज आपने बैठे एक फोटो डाल लिए चले गए, नहीं, बराबर आपके साथ आएंगे, आपको हक दिलाएंगे, जब तक आपके साथ रहेंगे जब तक आपको हक नहीं मिलता। अल्लाह आपको सब्र जमील दे अम्मा, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी, आपके हर वो चीज के लिए भी हुकूमत से डिमांड करेंगे, आपके साथ जो नाइंसाफी हुई उसके लिए इंसाफ मांगेंगे अम्मा। ये बच्चे हैं अम्मा आपके, कौन सी क्लास में हैं आप अम्मा? आप तो 16 के दिन इनका हाल हुआ अम्मा? लेके कब गए थे उनको अस्पताल? नहीं, केस में उनको पिकअप कहाँ से करे? 29 हैदराबाद में। आप लोगों को नहीं मालूम हुआ था? दो तारीख तक मेरे को किसको भी नहीं बोले, बीजी था उनका फोन भी लेके आके, तो इसमें रखते ये मेरे को भी नहीं, मैं बोले फोन भी नहीं बोले उनको, दो तारीख तक। अभी रेवंत रेड्डी साहब भी आपको बात करें ना, साहब भी वही बोले 50 लाख रुपए आपको ये देना और देना। जो सबसे पहली चीज इंसान की जान गई, इंसाफ होना, और वो पुलिस वालों को अंडर ट्रायल होके आप भी वही डिमांड करिए, हम भी वही डिमांड करते हैं आपके साथ। पूरा तेलंगाना है, पूरे हर कोई, हिंदू मुस्लिम सब जने हैं, बालकृष्ण साहब भी आए आपके पास, हर कोई आपके नहीं आए, यही उम्मीद से आए कि एक इंसानियत के लिए गलत हुआ, इंसानियत के नाम पर धब्बा है। एक पुलिस अगर इतना जुल्म करेंगी एक होटल में काम करने वाले आदमी के वास्ते, एक छोटी चेन, वो 4 ग्राम की चेन कौन की चुराए, क्या की था, इतनी सर की चीज के लिए एक गलत आदमी को उठा लेके लाके उसको थर्ड डिग्री इस्तेमाल करके उसको घर वालों को पुलिस में नहीं बोलना बोल के बोले तो 302 भी बुक कराएंगे अम्मा, जो कत्ल का रहता, और किडनैपिंग भी बुक होता, और सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता, सस्पेंड के साथ अंडर ट्रायल करना, चार्जशीट 3 महीने के अंदर दाखिल करना, ये बराबर डिमांड करेंगे अम्मा। ये चीज के लिए पूरा आप पुरसुकून रहिए, बिल्कुल पूरा हैदराबाद आपके लिए, पूरा तेलंगाना आपके लिए, हर कोई जगह जगह पे, कोई हर पार्टी से आ रहा, हर आपके समाज से लोग आ रहे हैं, हर वर्ग से लोग आ रहे हैं आपके पास, हर एसोसिएशन से आ रहे हैं, एक ही चीज पे आ रहे कि इंसानियत। एक नौजवान जो पूरे घर को लेके चलता था, ये मासूम बच्चों को लेके चल रहा था, सबको लेके चल रहा था,
उसके बाद ये हादसा हो गया तो आपका घर पूरा टूट गया, आपके बच्चों को भी नहीं देखते थे ना। सिद्धेश्वरी बोले ना माता का नाम।